बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट एक्सपर्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जनरल साइंस एमसीक्यूज के सिलसिले में वीडियो नंबर 6 अपलोड कर लेते हैं। 5 वीडियोस जो ऑलरेडी हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 2016, 17, 18, 19 और 20 के एसएसटी, पीएटी, डीएमटीटी, एटी, सीटी और पीएसटी के पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरेस्ट के जरिए हो चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो आज का पोर्शन शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है। द सन इज अ ह्यूज ग्लोइंग स्फीयर ऑफ हॉट गैस, मोस्ट ऑफ दिस गैस इज कॉन्टेन्स। सिंपली, सूरज में किस गैस का कितना हिस्सा है? सबसे ज्यादा हिस्सा सूरज में हाइड्रोजन का है जो कि 70% है। द सन इज कॉन्टेन 70% ऑफ गैस हाइड्रोजन एंड 28% हीलियम। सेकंड पोजीशन हीलियम का है तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी बनता है। और तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन है जो कि 0.97% है, और चौथे नंबर पर कार्बन है जो कि 0.40 है। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एट द आउटर सरफेस ऑफ अ चिल्ड ग्लेस वाटर, चिल्ड वाटर ठंडे पानी को कहते हैं, और ये पानी वो पानी होता है जो कि कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं कि गिलास पर जो चिल्ड वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं दैट इंडिकेट द फिजिकल फिनोमिना ऑफ व्हाट, दैट इंडिकेट द फिजिकल फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। कंडेंसेशन क्या है दोस्तों? कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस फेज इनटू द लिक्विड फेज। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखे, अ प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ, प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल में सेंट्रीलोल्स नहीं होते। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और आगे क्वेश्चन नंबर 64, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी पॉट प्रैक्टिकली सेपरेटेड बाय द प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन एक दफा गुजर चुका, ये रिपीट हो गया है, कुछ क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो उस क्वेश्चन वहां पर मैं इन तमाम की डिटेल बता चुका हूं, यहां पर सिर्फ करेक्ट ऑप्शन आपको बताना चाहता हूं, दैट इज ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन। सैंड और वाटर, पानी में जो रेत पड़ी हो उसको हम कैसे अलादा करते हैं? फिल्ट्रेशन के जरिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अब इस फिगर को देखिए दोस्तों, इसको जरा देखे, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? द रीजन वाई बॉइलिंग वाटर काजेज द सर्कुलेटरी मोशन इन अ पॉट, इट इज नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन और कंडक्शन के बारे में भी क्वेश्चन पहले गुजर चुका है, मैं उसकी डिटेल बता चुका हूं। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। कन्वेक्शन और कंडक्शन, कंडक्शन जो है ना, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट,
यानी उसका मीडियम होता है, और कन्वेक्शन जो है ना, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मोमेंट ऑफ अ लिक्विड आर गैस। ये देखिए गैस की शक्ल में ट्रांसफर हो रहा है, तो दिस इज कन्वेक्शन। और क्वेश्चन नंबर 66 लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में देखें इसमें कौन सा सिस्टम दिखाया गया है। इस पर भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, देखिए आगे मजीद क्वेश्चन आएंगे आपको ये भी पता चल जाएगा। तो ये अगर इसको आप देखें तो इसमें जो रिलेशनशिप है दैट इज फूड वेब है। डिफरेंट फूड चेन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फूड वेब बनाता है, फूड वेब। इसको स्टडी करें, अच्छी तरह स्टडी करें, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्नरी क्वार्टरली वो तमाम चीजें भी स्टडी करें। और क्वेश्चन नंबर 67 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सेटेलाइट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ इज द मून। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को, प्राइमरी कलर ऑफ व्हाइट लाइट। एक याद रखिए, एक दो किस्म के प्राइमरी कलर है हमारे पास, एक है आर बी वाई, ऑप्शन ए ना, रेड ब्लू एंड येलो, और दूसरा कलर है आर जी बी, और रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये रेड ग्रीन एंड ब्लू जो है ना, दैट इज द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर एक्चुअली ऑप्शन सी है, लेकिन जब क्वेश्चन लाइट की जगह पिगमेंट आ जाए, प्राइमरी कलर ऑफ पिगमेंट आर, तो फिर आर बी वाई, रेड ब्लू एंड येलो विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये बात याद रखने की है, अक्सर कंफ्यूज होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि द प्राइमरी कलर्स आर, उसमें उसके साथ रेड ये लाइट और पिगमेंट नहीं होता, तो फिर उसमें ऐसा होता है कि उसमें या ये प्रेजेंट होता है और या ये वाला, दोनों नहीं देते हैं। और सपोज अगर दोनों ही दिए गए हैं तो फिर आप कोशिश करें कि इसको सेलेक्ट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज है। काफी दोस्त इस पर कमेंट्स भी करते हैं कि सर ये प्राइमरी कलर है, ये है, ये चीजें इसके साथ याद रखें, लाइट और पिगमेंट की बात। क्वेश्चन नंबर 69 देखे, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, इट इज दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और नीचे आखिरी क्वेश्चन देखे, इस फिगर को जरा देखे कि ये क्या हो रहा है, कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसको जरा गौर से देखे और क्वेश्चन को जरा पढ़ ले। इन द फॉलोइंग पिक्चर टेक्निक इज बीइंग अप्लाइड फॉर सेपरेटिंग ऑफ ए स्टोन फ्रॉम वाटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, डिस्टिलेशन। ऑप्शन ए डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर बाय यूजिंग बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो आज के दो पेजेस हो गए हैं दोस्तों, इसके बाद मजीद इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन अपलोड करूंगा। जैसे पहले भी बता चुका हूं कि इस सीरीज की कंप्लीट होने के बाद सोशल स्टडीज का जो अहम पार्ट होता है उसको शुरू करूंगा, या मैथमेटिक्स को शुरू करूंगा, कोशिश करेंगे जिसको भी शुरू किया। लेकिन दोस्तों आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को लाइक लाजिमी क्या करें और शेयर भी लाजिमी क्या करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक किया करें। और जिन दोस्तों के पास अगर इसी तरह की कोई पुराने क्वेश्चंस हैं, पेजेस हैं जनरल साइंस के स्पेशली,
किसी जनरल साइंस के सोशल स्टडीज के हैं तो फिर ये व्हाट्सएप कर देते हैं क्यों पर।